मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी मैं फटाफट जा रहा हूँ स्कूल और वही सेम फ्राइडे वाला रिकैप हो रहा है। आज मैं फिर से न्यू वाला वॉच पहना हूँ। आई होप कि आज मेरा स्कूल खुला हो। और हाँ, हम 110% श्योर है कि आज मेरा स्कूल खुला हुआ है, फिर भी हम ये बात बोल दे रहे हैं क्योंकि फ्राइडे में यही हुआ था, सेम चीज़ हम किए थे। गुड मॉर्निंग बोले, वॉच दिखाएं, वहाँ जाके पता चला स्कूल ही नहीं है। तो खैर छोड़ो, फटाफट हम दौड़ते हैं। स्कूल से छुट्टी हो चुका है, अब हम फटाफट घर निकलते हैं। और हाँ, हमें ना कुछ रूटीन में चेंजेस किए हैं। सुबह दौड़ने नहीं जा पाएंगे और ना दौड़ के आने के बाद है ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरा, मतलब जाएंगे ही नहीं दौड़ने अभी जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। सुबह उठेंगे 2 बजे से पहले घर पहुँचेंगे, मतलब सुबह उठ के स्कूल जाएंगे, फिर 2 बजे से पहले घर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर तुरंत पढ़े बैठ जाएगा। अभी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। अभी एक्सरसाइज सिर्फ है ना आधा से एक घंटा, ज़्यादा नहीं करेंगे, आधा से एक घंटा बस। टाइम टेबल हम दिखाने भूल गए, तो अभी घर जाएंगे तो टाइम टेबल भी हम दिखा देंगे। मस्त टाइम टेबल बनाए हैं और दीवार तो दिखाए ही नहीं कि क्या कैसे चिपकाए वगैरह वगैरह, तो वो भी दिखा देंगे, कौन कहाँ पे क्या हुआ है सब कुछ बताएंगे। हाँ, हम इतना कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स तो आएगा ही नहीं, सर हटा दिए जो जो चैप्टर्स हम कंप्लीट किए थे। तो ये रहा, यहाँ पे तीनों चिपका दिए हैं। ये मैथ्स का है, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स का, जिसमें से फिजिक्स में हम बहुत सारा चैप्टर कर चुके थे लेकिन सर बहुत सारा चैप्टर हटा चुका है। तो ये केमिस्ट्री का भी सेम हालत है, लेकिन केमिस्ट्री तो टच नहीं किया था लेकिन बहुत सारा चैप्टर हट चुका है। मैथ्स में मैम हमको बता दी है इम्पोर्टेंट कौन सा है, वो वाला करके जाना। और ये रहा टाइम टेबल, यहाँ पे है, आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग खुद से पढ़ लेना। और ये रहा बोर्ड में यहाँ लिखा है Day 1 एग्जाम प्रिपरेशन का। अब मेरा एग्जाम है 6 मार्च से। पढ़ाई लिखाई हो गया है, आई नो थोड़ा कम पढ़ाई हुआ है, वहाँ पे टाइम टेबल में लिखा हुआ था 7 बजे तक होगा लेकिन अभी 6 बज रहा है, तो हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं मम्मी के साथ। मम्मी को थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह लेना है, तो वही हाथी बगान जा रहे हैं। सामान लेने के दौरान वीडियो नहीं करेंगे एज यूजुअल, मम्मी को पसंद नहीं है, तो उधर से आके वीडियो करेंगे, जो भी करेंगे या मम्मी परमिशन देगी तो करेंगे। गाइस, हमको ये लोग छोड़ के जा रहा। तुम स्माइली बॉल को प्रेस करते रहो, ऐसे जल्दी ठीक होगा। खैर, प्रेस करते पता है इसको, ऐसे करके ऐसे नहीं करो ना तो हड्डी ठीक नहीं होगा। मस्त शॉपिंग करके आ चुके हैं, अब फिर पढ़ाई करने बैठते हैं। जैसे कि हमको लगा था मम्मी अलाउ नहीं की, बोली वीडियो नहीं बनाना होगा, शॉपिंग करना है तो साथ में करो नहीं तो चल जाओ पैदल पैदल, हम स्कूटी से आ जाएंगे, तो इसलिए कोई बात नहीं सह लेंगे। तो खैर फटाफट पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। पापा हम लोग के लिए, मेरे लिए, अभिराज के लिए और मम्मी के लिए कॉबरेजी काटलेट और नानपुरी लेके आए हैं। कटलेट नहीं आया है। हाँ। तो नानपुरी आया और क्या है, कॉबरेजी है। हाँ, चिकन काबरेजी बंगाली स्टाइल में। हाँ, तो फटाफट उसका वीडियो बनाते हैं। तो गाइज, ये रहा नानपुरी, ये मालंचो होटल से आया हुआ है। मालंचो होटल हाथी बागान का वन ऑफ द बेस्ट होटल है, वहां पे सब कुछ, वहां पे जैसे कि ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और ये कटलेट और कॉबरेजी। वैसे कटलेट पापा लेके नहीं आया, कॉबरेजी लेके आए हैं। तो ये रहा कॉबरेजी और इसका रिव्यू हम देंगे आज, अभिराज नहीं देगा। अब रिव्यू देने का वक्त है। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। बस ये है, अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो ये वाला मत खाना, इसमें तेल बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा, रुके दिखा देते, देखिए
बहुत ज्यादा तेल है, इसका ऊपर वाला परत हटा के खाना पड़ेगा। मेरा खाना पीना हो चुका है, जैसे कि आप लोग उस समय देखे, अभिराज का भी सेम वही, हम लोग दोनों अब खाना पीना अभी नहीं फर्जी खाएंगे। देख रहे हैं अभिराज अभी फर्जी देख रहा है तो कंटिन्यू वो कर रहा है। मम्मी और पापा अलग, मतलब उन लोग का बन रहा है तो शायद सब्जी वगैरह कुछ बन रहा होगा। अगर हमको भूख लगेगा तो हम रात को उठ के खा लेंगे। तो खैर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ऐसे भी टाइम टेबल के हिसाब से अभी एडिटिंग का वक्त था, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।